Subscribe, like and share ACB. Click the bell icon for more interesting videos. क्या हुआ मेरे सरताज की उम्र को? वैसे भी मर्द और बूढ़े कभी बूढ़े नहीं होते। तुम लोग ये क्या फजूल हरकतें कर रहे हो? मैं यहाँ मुल्क की तरह बैंकक्रॉप्ट होती जा रही हूँ और किसी को कोई फिक्र ही नहीं है। मॉरली भाई, अगर इतने मसले ना तो सियासत ज्वाइन कर लो। यू ऑल्सो शट अप। थैंक यू। पर हमारा माली जानी तो बहुत ही नुकसान करता है। डॉन की हालत देखिए। चुप करके कोई मुझे खबर देखने दोगी? सारी उम्र बेखबरी में गुजर गई। नहीं, कभी कभार मैं अच्छी बात भी करता हूँ। वैसे मुझे ना बहुत अमेजिंग आइडिया आ रहा है, ये सुनकर तुम अपने सारे गम भूल जाओगी। हम भूल जाऊंगी? नहीं कोको, नहीं, मैं तुम्हें नहीं भूलना चाहती। तुम तो प्लीज चुप ही कर जाओ। तुम मेरे पास यानी घोड़े वाकई बूढ़े नहीं होते मगर मर्द होते हैं, क्योंकि हर दूसरा मर्द चश्मा लगाता है और सफेद बाल रखता है। तालियां। मुको, रीना, आजो भाई, आप लोग भी आ जाएं। कौन है ये? भाई आप लोगों ने कहा था ना कि शहाब और साकिब को बुलाना है, तो ये शहाब है और ये साकिब है, ये दोनों भाई है। नहीं नहीं, मैं पत्थर की बात कर रही थी। पत्थर? तो ये कौन से पत्थर से कम है? कोई चीज इन पे कुछ असर नहीं करती। नहीं जी, आप प्लीज यहाँ से जाएं। थैंक यू। मैं टूटे हुए सितारे की बात कर रही थी। हाँ, उनका भी मुझे पता है। मसलन देखो, अब शान, मोहम्मद राना और शाहरुख खान, सारे टूटे हुए सितारे अंदर से सब टूटे हुए, अक्सर इनके ऑपरेशन होते रहे। नहीं भाई, मैं वो आसमान के सितारों की बात कर रही हूँ जो ऊपर बहुत ऊपर होते हैं, वो अक्सर टूटते रहते हैं और जमीन तक आते आते रेजा रेजा हो जाते हैं। बिल्कुल मेरी तरह। अब देखो, मेरी जिंदगी जो है ना, वो भी फन के रास्ते में रेजा रेजा होती रही। उन्हें शहाबे साकिब कहते हैं। अगर उनमें से कोई एक पत्थर हमें मिल जाए तो जिस तरह की हमारी लग के ना, वो सीधा आके हमारे सर पे गिरेगा और हमारा सर फट जाएगा, और ये बहुत बड़ी बात होगी। सर फटना? अरे तुम लोगों को अभी उस पत्थर की वर्थ का अंदाजा नहीं है। लोग हमें हजारों नहीं बल्कि लाखों रुपए देंगे, और रिसर्च करने के लिए कोई पागल अमीर हमें पता नहीं करोड़ों रुपए दे दे। मिलेगा कहाँ से? पागल अमीर नहीं, वो तो मिल जाएंगे पत्थर शहाबे साकिब जो तुम ढूंढ रही हो। भाई खलास है। खला से कौन लाएगा आप? हम कोई भी मुनासिब पत्थर जिसकी शक्ल शहाबे साकिब से मिलती हो, अनाउंस कर देंगे कि हमें शहाबे साकिब मिल गया है। तो यूं करते हैं कि बजरी का एक ट्रक मंगवा लेते हैं, उसमें से ढूंढ लेंगे। गुड आइडिया, वरना आंटी की जो रॉकरी है ना, उसमें से तो कुछ अजीबोगरीब पत्थर मिल ही जाएगा। तुम सीरियस हो गई हो? हाँ ऑफ कोर्स। नहीं शक्ल का पत्थर कहाँ से ढूंढ कर लाऊं? आइडिया, हम ऐसे करते हैं कि मरी चलते हैं, वहां जाके 8-10 दिन रहते हैं, घूमते फिरते हैं, सैर करते हैं, कोई मिल ही जाएगा। ये पत्थर की बात कर रही है भाई, उस शायर की बात क्यों ना सुने जिसने क्या खूब कहा है कि इन्हीं पत्थरों पर चल के अगर आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशां नहीं। वैसे मैं आजकल अच्छी बातें नहीं करने लग गया। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, वो शायर खुदकुशी कर चुका है। पत्थर आए ना, ठोकरे पहले शुरू होगी। बिलाल मिल गया। क्या मिल गया? ये तो लैंप का टुकड़ा है। मरहूम लैंप। हाँ, ये लैंप का टुकड़ा हमारी जिंदगी में रोशनियां बिखेर देगा। अरे लोड शेडिंग ना करा देना। आप कुछ खाएंगे या हमेशा की तरह ऐसे ही बैठ रहेंगे? देख नहीं रहे हो मैं खा रहा हूँ? मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा, और मैं यहाँ पे हवा खाने आता हूँ, हवा खा रहा हूँ। क्या होता है? इसे बड़ी फिक्र है मेरे खाने की। अल्लाह का कोई ना कोई बंदा आ ही जाएगा मुझे भी खिलाने के। अभी तक आया नहीं वो जर्नलिस्ट। वही लिफाफा तो मैंने उसे दे दिया था, थोड़ी देर में आता होगा। बात हो रही थी शेर की। तुमने शेर का काम शुरू कर दिया? देखो अब जीनियस जीनियस ही होता है। ओह फॉर गॉड सेक्स, मुझे भी तारीफ पसंद नहीं है।
देखो भाई, लाखों डॉलर की बात हो रही है, बाद में कोई कंफ्यूजन ना हो। मिस्टर बिलाल, आप जो काम करते हैं आपको उसका मुआवजा दे दिया जाता है। हालांकि जिस तरह के काम तुम करते हो ना, उस पर जुर्माना होना चाहिए। बस एक दफा ये कीमती पत्थर बिक जाए ना, फिर सोचेंगे। वो भाई पैसा आने के बाद कौन सोचता है? सोचता तो बंदा गुर्बत के जमाने में, पैसा आने के बाद तो बंदा सोचने के बारे में भी नहीं सोचता। हेलो, हाँ जी जी जी, हम बहुत देर से आपका इंतजार कर रहे हैं, आप कहाँ पर हैं? अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल समझ आ गया। हाँ भाई, वो जर्नलिस्ट का फोन था, वो कह रहा है कि गेम ऊंची है, वो हमारा एडिटर जो है ना, वो आपका पर्सनली इंटरव्यू लेना चाहते हैं। तो फिर चले। हाँ चलो। तुम्हारे तो नर्व पे आंटी 24 घंटे सवार रहती है। भाई आंटी से आप डरने की क्या बात है, हम तो आंटी से ऐसे 4-5 घर खरीद सकते हैं, हमारे पास इतने सारे पैसे आने वाले हैं। भाई हमारी पॉपुलैरिटी चेक करो, मशहूर साइंसदान मिस्टर शकीब साहब जो हम हमसे मिलने हैं। अस्सलामुअलैकुम जी, बहुत मुबारक हो जी आपको, बड़ा लक है आपका। नहीं नहीं, लक तो छोटा सा ही है जी, किस्मत बहुत है। अच्छा ये शहाब साकिब का टुकड़ा आपको मिला कैसे? मैं यहाँ बैठी हुई थी, यहाँ से वो असल में मैं बाहर लॉन पे बैठी हुई थी, तो कहते हैं ना कि जब कोई तारा टूटता है आप उसको देख के कोई दुआ मांगे तो फौरन कबूल हो जाती है। हाँ। बस मेरे साथ भी ऐसे ही कुछ हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, इन्होंने वो टूटते हुए तारे को देखा और फौरन दुआ की कि उनको मिल जाए। जी हाँ, तो मैं बैठी हुई थी तो या तो वो तारा टूटा हुआ था या टूट रहा था कि अचानक से वो पत्थर सा कुछ आके मुझे लगा। जिस घर में बेरियां होगी वहाँ पे पत्थर तो गिरेंगे ना जी। पत्थर तो आप मुझे समझे, मेरा मतलब है कि पत्थर आने की तो उम्र है ना इनकी। मैं दरअसल वो माहिर फलकियात, दिमागी काम करने ना इसलिए, और वो शाहब साकिब वो दिखाए ना मुझे ताकि काम का आगाज किया जा सके। हाँ, दिखाते हैं, अभी दिखाते हैं। खास बात, इसे देख के भूख महसूस होती है। अभी तो आपने खाया है, क्या फिर खाना मंगवाएं? अगर आप जोर दे रही हैं तो फिर मंगवा दें। कि प्रोफेसर लिखता कम है, खाता ज्यादा है, कहीं हमारा पत्थर ना खा जाए। बर्दाश्त करना पड़ेगा, इसकी वजह से हमें वर्ल्ड फेम मिलेगी, वर्ल्ड फेम। जाओ फिर ब्रोस्ट मंगाओ, जाओ। Money part? Yes. Oh! क्या हुआ है? क्या? ये तो बेहोश हो गई है। ये शाबे साकिब के बेचते बेचते शाबे साकिब के पास तो नहीं पहुंच गई? पानी पियो। मिनरल वाटर नहीं था? इस हालत में भी ना ऐसा खर्चे का ख्याल। अमेरिका के एक रिसर्च इंस्टीट्यूट ने फोन किया था और वो ये कह रहे थे कि वो हमें $3,00,000 देंगे। $3,00,000? डॉलर का रेट क्या आजकल? 60.5। कितने होते हैं, कितने जीरोस हो गए? ये तो करोड़ों रुपए हैं। करोड़ों रुपए? 2,10,00,000 रुपए? तुम लोगों को क्या हुआ? पैसा होती है ऐसी चीजें। लिखूं इसके बारे में? एक सेकंड के लिए मुझे केला नहीं छोड़ती, हर वक्त सिर पे सवार। आखिर मैं इसे चुरा के कैसे निकलूं यहाँ से? जी प्रोफेसर शायर,
कितना काम रह गया आपका? बस ही मैं काम दिखाने ही वाला हूँ। क्या? मेरा मतलब है कि काम खत्म होने वाला है। गुड। देखिए जी, हमारे कुछ खास मेहमान आने वाले हैं। हम चाहते हैं कि आपकी रिसर्च हम उनके साथ शेयर करें। वो भी साइंटिस्ट है लेकिन नासा से। हमारे लिए? क्या? मेरा मतलब है कि फिर तो जल्दी काम खत्म होना चाहिए। Obviously, बस आपके पास ये 2-3 घंटे हैं, इसमें आप ये रिपोर्ट जो है ना वाइंड अप कर दे जल्दी। हाँ बिल्कुल, आप मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दें बस। ठीक है, हम आपको डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं करेंगे। ऐसे करते हैं, बाहर से दरवाजा लॉक कर देते हैं। ठीक है? Okay. नहीं नहीं, ये क्या करने लगी आप? बंद कमरे में दहशत होती है मुझे। विंडोज खोल लें, खिड़कियां खोल लें, जल्दी ये खत्म करें प्लीज। फिर ठीक है। मैं जाते हुए चाबी वाला भेज दूंगी। और बात सुनो, कोई गड़बड़ ना हो। अच्छा किए मैंने कभी वो गड़बड़? इस वक्त मैं आपके घर के गेट के सामने खड़ा हूँ। हाँ जी, आप आ रही हैं? ठीक है, मैं इंतजार कर रहा हूँ, आप आ जाएं बस। ओके। आप कौन? जी मैं नासा से आया हूँ और मिस कोको का घर यही है। आप वो नासा से, आप जबरान हैं? जी जी। वो तो आपका वेट कर रही है अंदर। ओके थैंक यू। प्लीज प्लीज जाइए, मैं अभी आता हूँ। अच्छा बात ये है कि वो चाबी वाला मसला तो हल हो गया है, आपके पास टूल्स होंगे, आप मेरी और हेल्प कर दे, मुझे इसका एक टुकड़ा चाहिए, ये तोड़ दे जरा मुझे आप प्लीज। ओहो, ये तो पहले ही टूटा हुआ है। हाँ हाँ मुझे पता है टूटा हुआ है, ये मैंने ही तोड़ा था। असल में ये मेरी आंटी का लैंप है ना। एक बात अगर मैं आपको बताऊँ तो प्लीज प्रॉमिस करें आप किसी को नहीं बताएंगे। नहीं नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊँ। वो ना हमारी जो कोको है ना, उफ शी इज सो इंटेलिजेंट, उसने किसी का एक टुकड़ा जो है ना ये मुझसे टूटा था, वो हमारों में मशहूर करती है कि वो शाह में साके में, और एक पागल प्रोफेसर तो उस पर एक इंटरनेशनल कॉलम भी लिख रहे हैं, नासा वाले आ रहे हैं इसको चेक करने के लिए, मैं आपको क्या बताऊँ, प्लीज हेल्प मी। और ये मेरी आंटी है ना, उनकी परदादी का लैब है। ये चाबी वाला है ना, इसे प्रॉमिस किया, मैंने इसे प्रॉमिस किया कि किसी को कुछ नहीं बताएगा, है ना? नहीं क्या कर रही हो तू? व्हाट? जी मेरा नाम जबरान है और मैं ही नासा से आया हूँ।